कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं जो है इतिहास का चैप्टर यानी हिस्ट्री का चैप्टर जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ये एनसीईआरटी पे आधारित रहेगा, सीबीएसई के बच्चों के लिए है। इसमें जो है हम हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, समझेंगे, विचारेंगे और हर एक पहलू पर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आज क्या है। रोमन साम्राज्य में शिक्षा की नीति, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शिक्षा, हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा का अर्थ होता है कि बच्चे जो है किसी शब्द को समझ सके, लिख सके, पढ़ सके। अब ज़रूरत नहीं है कि वो सभी लैंग्वेज में परफेक्ट हो, किसी एक भी लैंग्वेज में अगर आप परफेक्ट हो तो इसका मतलब आपको समझ है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है और शिक्षा जो है किसी भी समय काल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि शिक्षा जो है इंसानों को मार्गदर्शन दिलाती है, एक नए रास्ते पर जाने के लिए अग्रसर करती है और कई रास्ते शिक्षा के अंतर्गत खुलती है। और कोई भी व्यक्ति आपको इसके अंतर्गत, शिक्षा के अंतर्गत मूर्ख नहीं बना सकता क्योंकि आपने सारी शिक्षाएँ ग्रहण कर चुके होती हैं। तो शिक्षा जो होता है किसी भी समय काल के लिए महत्वपूर्ण है और आज मॉडर्नाइज दुनिया में 21वीं शताब्दी में इसका तो और भी महत्व बढ़ गया है। लेकिन देखा जाए तो हम 21वीं शताब्दी में हैं लेकिन फिर भी हमारा एजुकेशन सिस्टम पिछड़ा हुआ है। कारण क्या है कि एजुकेशन जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है और हम सारे व्यक्ति जो है आम गरीब बंदे हैं जो है सरकारी स्कूल पर ही आश्रित है। प्राइवेट स्कूल तो कहते हैं बहुत ही रेयर बच्चे जाते हैं गरीबों में से, ठीक है, और वो भी सरकार ने जो है अपने प्रपंड की जो लाठी मार चुका है, ठीक है। अब जो है ऑनलाइन जो एक छोटे बच्चों के एडमिशन होने लगा है और भी 1 किलोमीटर के दायरे में, तो सरकार की तरफ से जो है आम गरीबों को सबसे बड़ा लाठी पड़ी है और इनका सबसे बड़ा मकसद पूरा हुआ है कि आम गरीब बच्चों को जो है शिक्षा नहीं मिलना चाहिए। और जैसे रोमन साम्राज्य में भी था कि जो गरीब थे, आम थे, उनको पढ़ने का शिक्षा नहीं देते थे, बेशक उनका इस्तेमाल भरपूर होता था। और वही आज की दुनिया में भी है, आज 21वीं शताब्दी में भी सरकार का यही नीति है। अब देखिए समझदारी की तो बात ये आती है, अगर प्रशासन समझदार होता, समझता, तो सब प्रशासन को एक बात समझ में आनी चाहिए कि कोई भी बड़ा प्राइवेट स्कूल होता है तो कोई भी प्राइवेट स्कूल खोलता है तो वो शहरों में खोलता है, वहाँ खोलता है जहाँ पर जो है अमीर लोग रहते हैं। लेकिन अगर आप RTE के रिगार्डिंग अगर उस जगह स्कूल खोलते हो जहाँ पर अमीर लोग रहते हैं, अगर वहाँ पर आपने एक प्रावधान बना दिया कि 1 किलोमीटर के दायरे हमने बच्चों को सिलेक्शन करना है, तो जर्नल सी बात बताइए कि 1 किलोमीटर दायरा तो गरीबों का दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा। फिर किनका होगा एडमिशन? मिडिल क्लास के बच्चों को, जो थोड़ा हाईफाई होंगे उनको गरीब मान लोगे आप? आप सोचते होगे कि हम यहाँ इंक्वायरी करते हैं, हम तो भाई जाँच परख करके हम जो है इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं। अरे भाई सब जगह जाकर देख लीजिए, घोड़ा का धंधा ही हो रहा है। आप घर में बैठ जाते हो, आराम से हुक्म दे देते हो, इसका मतलब सब कुछ क्या सही है? आप गलत फहमी की दुनिया जी रहे हो। तो यहाँ पर रोमन साम्राज्य में भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला कि यहाँ पर भी सरकार की दो नीति थी जिसके कारण स्लैब जो थे, जो दास थे, उनकी बहुत ही दुर्दशा बेकार थी। लेकिन देखा जाए तो दासों का ही महत्वपूर्ण स्थान था। तो यही यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि रोमन साम्राज्य में शिक्षा की नीति क्या थी। कहते रोमन साम्राज्य में शिक्षा में सामाजिक गतिशीलता में योगदान दिया जो कि शाही इतिहास के आरंभिक काल के विशेषता भी जो है जिसे हम प्रिंसिपेंट के नाम से जाना जाता है काफ़ी महत्वपूर्ण था। यानी शिक्षा ने इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखा। शिक्षा केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध थी जो इसके लिए भुगतान कर सकते थे। जनरल सी बात है, आज भी वही सिस्टम है। आज शिक्षा उनके लिए है जिनके पास जो है पैसे हैं, शिक्षा उनके लिए नहीं है जिनके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि सार्वजनिक वित्त पोषण वाले स्कूलों की कोई राज्य समर्थन प्रणाली नहीं थी। लेकिन आज उल्टा है, आज भारत सरकार के शिक्षा के ऊपर दबदबा है और समर्थन भी प्राप्त है, लेकिन सरकार इन बात को कभी भी एनालाइज नहीं करती है कि उसके स्कूल में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि आपको तो पता ही है कि कोई भी मंत्री जो होता है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं दाखिल कराते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि सरकारी का मतलब होता है अनपढ़ता, बच्चे सिर्फ जाते हैं और बैठ के आते हैं और कुछ भी नहीं होता। अगर ऐसा नहीं होता तो बड़े लोग जो हैं प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के एडमिशन क्यों करवाते हैं? ऑक्सफोर्ड क्यों भेजते हैं? रोमन जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड क्यों भेजते हैं बच्चों को? क्या भारत से अच्छा उत्तम शिक्षा वहाँ पर है?
सभ्यता ही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा भारत में है, लेकिन भारत की शिक्षा को जो है बड़े बड़े लोग बिगाड़ रहे हैं अपने मकसद में, अपने जो है खिचड़ी पकाने के चक्कर में। शिक्षा केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध थी जो उनके लिए भुगतान कर सकते थे और जिनको सार्वजनिक वित्तीय पोषण वाले चीज़ें थी। जनरल सी बात है, अमीर लोग ही इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों के बीच साक्षरता की दर बहुत भिन्न थी। जनरल सी बात है, आज भी देखिए हर क्षेत्र में साक्षरता दर जो है बहुत ही भिन्न नजर आती है। सैन्य अधिकारी, संपत्ति प्रबंधक और सैनिकों के बीच साक्षरता व्यापक थी, यानी सैन्य अधिकारी के समक्ष, संपत्ति वाले प्रबंधकों के समक्ष और सैनिक के बीच साक्षरता जो थी काफ़ी फैली हुई थी। आकस्मिक साक्षरता विद्यमान थी और यह स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न थी। जैसे आज भी आधुनिक युग में भी आपको शिक्षा विभिन्न विभिन्न स्थानों पर विभिन्न विभिन्न तरीकों से देखने को मिल जाता है। पोपाई में एक दीवार थी जिस पर विज्ञापन और भित्ति चित्र भी थे जो उच्च स्तर की अनौपचारिक साक्षरता का इंगित करता है। यानी पोपाई एक जगह था जहां पर दीवार पर जो है विज्ञापन थी और भित्ति चित्र भी था और यह अनौपचारिक साक्षरता की जो है बातों को यहां पर बता रहा था। सामान्य आबादी तुलना में सैन्य कर्मियों में साक्षरता की दर जो है संकेत मिलती है। यानी देखा जाए तो सामान्य आबादी के तुलना में सैन्य कर्मियों में साक्षरता की उच्च दर प्राप्त हमें हुई है और शिक्षित महिलाएं असामान्य नहीं थी। शिक्षित महिलाओं की संख्या बहुत ही कम था और जनरल सी बात है अमीरों में शिक्षा देने की प्रावधान थी, बाकी जो है स्लैब या गरीबों में देने की कोई प्रावधान नहीं थी। और ऐसी अपेक्षा थी कि उच्च वर्ग की लड़कियाँ कम से कम प्राथमिक विद्यालय में जाएगी। संभवतः लड़कों को सामान्य कक्षाओं में और लिंग की परवाह किए बिना केवल कुछ विशेष वर्ग के लोगों ने ही माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की। तो जरना सी बात है, जो उस समय धार्मिक अंतर्गत होता था आज के समय पैसे के अंतर्गत होती है। आप सोचते होंगे कि सरकार ने तो बहुत चीज़ फ्री किया हुआ है भाई, बच्चों को प्रमोट करने के लिए जो है इन्होंने स्कॉलरशिप की प्रावधान किया है, इन्होंने लैपटॉप सरकार दे रही है। मैं तो कहता हूँ कि संसाधनों की इतनी भरपाई क्यों सरकार कर रही है? क्या सरकार के इसमें कुछ और मकसद है? अगर मान लीजिए सरकार किसी बच्चे को मोबाइल देता है, किसी को लैपटॉप देता है और उसमें बच्चे नेट लगाते हैं, तो आपको क्या विचारधारा लगता है कि वो पढ़ाई का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो कहीं भी नहीं कर सकते। मोबाइल हो और लैपटॉप हो तो कहते हैं सरकार जो है बच्चों को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। बिना लैपटॉप और मोबाइल के भी हमारे देश में बड़े बड़े साइंटिस्ट बने, लेकिन अब देखिए कुछ सालों में ना तो साइंटिस्ट कोई बन रहा है ना कुछ बन रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल बहुत पूरी आधुनिकता है। क्या है? फिर भी कुछ भी नहीं है। हमारी क्या भारत में खोज है? क्या हमने खोजा है अभी के समय? था मुझे लगता है कि कुछ भी खोज नहीं हुई है। जो भी हुआ था पुराने समय में हुआ था, जो बड़े बड़े लोग बिना कंप्यूटर लैपटॉप के जो है अपनी दिमागों के बुद्धि कसौटी पे जो है बहुत बहुत खोज किए। आप तो लगता है कि कुछ भी नहीं है, हम तो दूसरे देशों के सिर्फ नकल कर रहे हैं। अब देखिए भारत में जितने कंपनियां हैं, जितने आप जो है दिन प्रतिदिन सामान यूज़ कर रहे हो, कोई भी भारतीय नहीं है। सिर्फ उसमें लिखा होता मेड इन इंडिया, लेकिन कोई भी जो है भारतीय कंपनी नहीं है। ये बहुत अफसोस की बात है। सिर्फ मेड इन इंडिया लिख देने से कहते हैं भारत में जो है हर चीज़ विकसित नहीं हो सकता है। और ये सब क्यों होता है? शिक्षा की जो है गिरी हुई परसेंटेज के कारण। कहते हैं मामूली संख्या में दासों की शिक्षा किया जा रहा है। दासों को तो कहते हैं शिक्षा देने का प्रावधान नहीं था, एकदम मामूली थी। जैसे भारत में भी है, देखिए अभी हम 21वीं शताब्दी में आ गए हैं और यहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत ही कमज़ोर है। कोई कोई बच्चे तो इतने इंटेलिजेंट दिखाते हैं टीवी पे, और कभी कभी तो ऐसे बच्चे भी दिखाते हैं जो कहते हैं उनको आता ही नहीं, लेकिन ऐसा कभी देखने को मिला नहीं मुझे। टीवीओं में तो हमेशा इंटेलिजेंट बच्चे ही आते हैं, जो मूर्ख बच्चे आते हैं उनको कौन दिखाता है? और मंत्री जी जब किसी स्कूल में दर्शन करने बच्चों को जाते हैं तो वहाँ पर तो इंटेलिजेंट बच्चों को ही आगे किया जाता है कि भाई मंत्री जी आए हैं, उनके सामने अच्छा खासा कपड़ा पहने हुए बच्चों को ही भेजा जाए, लेकिन बाहर जो खड़े बच्चे हैं उनको कोई देखने भी नहीं जाता। ऐसी प्रावधान आपको अक्सर देखने को मिल ही जाता है, क्योंकि उस समय भी यही होता था कि मामूली संख्या में दासों को शिक्षित किया जाता था और उन्हें शिक्षा और साक्षरता की संस्कृतियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षकों और जो है शास्त्रियों और सचिवों में गुलाम होने की संभावना थी, इसलिए उनको शिक्षा देने की प्रावधान उतना अधिक नहीं था। यानी दासों में शिक्षा जो थी नाम मात्र की थी और सिर्फ वो अपने कार्य के लिए ऐसा करते थे। दासों की शिक्षा को जो है हतोत्साहित नहीं किया जाता था, हमेशा उनको
कमज़ोर करने की कोशिश की जाती थी और दास बच्चे अपने स्वामी के बच्चे के साथ कक्षाओं में भाग ले सकते थे और शाही काल के शुरुआत तक रोम में पुस्तक भंडार पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित थे और प्रांतों के शहरी केंद्र भी पाए जाते। देखिए कहते हैं रोम में भी कई जगहों पर देखने को मिला कि स्वामी के बच्चों के साथ कक्षा में भाग ले सकते थे, यानी दास बच्चे अपने स्वामी के बच्चों के साथ भाग ले सकते थे, पढ़ सकते थे। ये प्रावधान बनाई गई कई क्षेत्रों में। किताबें महंगी बेशक ली थी उस समय काफ़ी जैसे आज के समय में, लेकिन बाद के समय में साहित्य के लोकप्रिय विधाओं ने जो है गैर कुलीनों के बीच आनंद के लिए पढ़ने का संकेत दिया। सम्राट ने पुस्तकालयों को जो है प्रायोजित किया जो कि कुछ हद तक सार्वजनिक भी थे और हर धनी व्यक्ति किसी समुदाय के लिए पुस्तक दान कर सकता था या प्रभावशाली निजी जो है संग्रह जमा कर सकता था जिसे घर के विद्वान जुड़े हो सकते थे। यानी इस तरह के प्रावधान रोमन साम्राज्य में था जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में इसका समर्थन करने वाले शास्त्रीय संस्थाओं और प्रथाओं से दूर जाने के दौरान जो है साक्षरता में गिरावट काफ़ी हद तक देखने को मिला। यानी देखा जाए तो रोमन साम्राज्य में शिक्षा का स्तर बढ़ा लेकिन कुछ हद तक गिरा भी नजर आया, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं एक ही बात कहता हूँ, जब तक शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं होगा तब तक जो है हमारे देश में प्रगति नहीं होगी और हम लोगों के बहकावों में आ जाएंगे, लोगों के जो है बातों में आ जाएंगे और लालचों में हमेशा डूबते रहेंगे। और यही जो है हमारा नस जो है मंत्री लोग से पकड़ रखे हैं कि लालच दो और सीट को जीत लो। लेकिन दोस्तों कहते हैं कोई भी हमारा रिप्रेजेंटेशन करता है तो उसका मतलब उसको समझदार होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए और जनता के लिए होना चाहिए, तभी जो है उस क्षेत्र का विकास हो सकता है। लेकिन हम ये सब बातें नहीं देखते हैं, नहीं सोचते हैं, सिर्फ हम ये देखते हैं कौन कितना का लालच दे रहा है, किसके लालच में जितना दम है। आज हर क्षेत्र में यही हुआ है। कहते हैं बहुत से छोटे मोटे इलेक्शन भी हुए हैं जो कॉलेज लेवल पे भी हुए हैं, वहाँ पर भी ऐसे ही देखने को मिला है कि जो पार्टियों के बच्चों ने जो है क्लब फ्री करवा दिया है उनमें जीत हासिल हो गई है, जिनमें नहीं करवाया गया उनकी हार हुई। तो क्या मतलब है, हमारे लगता है कि रग रग में जो है हमें लालच ही भरा पड़ा है कि जहाँ हमें लालच दिखती है हम उसी को ही जिता के रख देते हैं और उसके बाद कोसते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, आगे आप कहते हैं 11वीं क्लास कक्षा तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात होती है और कोई साधारण बच्चा पहुँच नहीं सकता। आप में कुछ ना कुछ गुण रहा होगा तभी आपने यहाँ तक जो है सफ़र तय की है। तो इसलिए समझदार बनो, अच्छा बनो, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आई, अच्छा लगा और जनरल सी बात है, जब आप त्रिपाण सेंटर की मदद करना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। यही प्रावधान आपके मन में होना चाहिए, शेयर करने की भावना। पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो जनरल सी बात है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है अगला वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर 8th से लेकर MA तक के बच्चों के लिए बहुत कुछ है। सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, जो रेड सब्सक्राइब दिख रहा है उसको दबाइए, त्रिपाण के साथ जुड़ जाइए।